हेलो फ्रेंड्स, आप सबका गीत किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेज बिरयानी बनाएंगे। इसे आप लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 125 ग्राम बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने एक बार धोकर इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगा के रख दिया है। एक बड़ा चम्मच फ्रेंच बीन्स लेंगे, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 40-50 ग्राम फूल गोभी लेंगे, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, जिसे मैंने लंबे और पतले टुकड़ों में काट लिया है। दो हरी मिर्ची लेंगे, इसे भी हम लंबे और पतले टुकड़ों में काट लेंगे। दो बड़े चम्मच ताजे हरे मटर के दाने लेंगे। एक बड़ा आलू ले लेंगे, जिसे मैंने छील कर बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़ा चम्मच चौकोर टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्ची लेंगे और एक छोटा टमाटर ले लेंगे, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है। एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटे नींबू का रस। खड़े मसालों में हम यहाँ पे दो तेज पत्ते लेंगे, दो स्टार एनिस लेंगे या चक्री फूल, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री लेंगे, 10 से 12 काली मिर्ची के दाने, 2 से 3 छोटी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 लौंग ले लेंगे। मसालों में हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच सौंफ लेंगे। जीरा और सौंफ को हम कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे, फिर इसका पाउडर बना के इसमें ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे, 1 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे, लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी ले लेंगे। वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, जिसे मैंने हल्के हाथों से कूट लिया है, 2 चक्री फूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्ची के दाने, 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे। छोटी इलायची को भी हम हल्के हाथों से क्रश कर लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। 1 पिंच हींग ऐड करेंगे। हींग ऐड करने के बाद अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। कुछ देर मसालों को फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी हल्का सुनहरा कलर आते तक के फ्राई कर लेंगे। प्याज को कुछ देर फ्राई कर लेने के बाद जब इसमें हल्का सुनहरा कलर आ जाए, इसमें हम 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिसे मैंने लंबे और पतले टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। कुछ देर फ्राई कर लेने के बाद जब प्याज लहसुन और अदरक में अच्छा सुनहरा कलर आ जाए, इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड कर लेने के बाद अब इसे हम करीब 15-20 सेकंड के लिए इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे। आलू को फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम फूल गोभी ऐड करेंगे, बीन्स, हरे मटर के दाने, शिमला मिर्ची ऐड करेंगे। सब्जियों को ऐड कर लेने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार या आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। नमक मिला लेने के बाद अब इन सब्जियों को हम करीब आधा मिनट के लिए इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे। सब्जियों को कुछ देर सौते कर लेने के बाद अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। टमाटरों को मिला लेने के बाद अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे, जिसे मैंने कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद इसे हल्के हाथों से कूट लिया है। अब इन मसालों को हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद अब इसे हम कवर करके करीब 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे।
करीब आधा एक मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जियां अब लगभग पक चुकी हैं, इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं और इसे भी मिला लेते हैं। कसूरी मेथी मिला लेने के बाद अब इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चावल मिलाते समय फ्लेम को मीडियम में रखें, इसे तेज़ आंच में ना मिलाएं। अब इसमें हम 250 ml या सवा ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसके साथ ही एक छोटे नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिला लेने के बाद अब इसमें हम उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाए हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर इसे हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम दोबारा से कवर करके करीब 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे इसी तरह करीब 10 मिनट के लिए रहने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। धनिया मिला लेने के बाद अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। डिलीशियस यम्मी वेज बिरयानी बनकर तैयार है। इसे आप पापड़ और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।